पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है। आलम यह है कि वो पाई पाई के लिए तरस रहा है। तमाम देशों संस्थाओं की आर्थिक मदद के बावजूद भी पड़ोसी देश आर्थिक संकट से उबर नहीं पा रहा। हालांकि पाकिस्तान का खजाना भले ही पूरी तरह से खाली हो चुका है, लेकिन वहां के राजनेताओं के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग की ओर से हाल ही में 2018 से 2019 के लिए नेशनल असेंबली के सदस्यों की आर्थिक स्थिति की जानकारी सार्वजनिक की। चुनाव आयोग के मुताबिक नेशनल असेंबली के 342 सदस्यों में से करीब 10 राजनेता अरबपति हैं। इन 10 अरबपति सदस्यों में से पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी तहरीक इंसाफ के ही 4 नेता हैं, जबकि 2 नेता इसकी सहयोगी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है। इसके अलावा PMLN पार्टी से 2 नेता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशन पार्टी के 1-1 नेता भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान के पास कुल 10.8 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। इसके अलावा उनका बानी गाला में एक आवास है जिसे उपहार के तौर पर दिखाया गया है। इमरान खान के पास 50,000 रुपए कीमत की 4 बकरियां और 150 एकड़ कृषि योग्य जमीन भी है। 2015-16 वित्तीय वर्ष में 1.1 करोड़ रुपए का खर्च उनके आवास में अतिरिक्त निर्माण कार्य में किया गया। दस्तावेजों के मुताबिक पीएम इमरान खान का 6 नहरों और बानी गाला में 50 लाख की जमीन के मालिक हैं। इमरान खान का शेखुपुरा में भी एक घर है जो उन्हें पैतृक संपत्ति में मिला है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति में उनकी भक्खर में 2609 कैनल जमीन और 8 एकड़ की 4 अलग अलग जगहों पर जमीनें हैं। इमरान खान ने 4 विदेशी मुद्रा बैंक अकाउंट में भी निवेश किया है। पाउंड अकाउंट में 2067 पाउंड, डॉलर अकाउंट में 3,29,060, जबकि एक अन्य अकाउंट में 1,470 है। हालांकि यूरो अकाउंट में पैसे नहीं है। इसके अलावा इमरान खान ने ग्रैंड हयात टावर में एक फ्लैट के लिए भी 1.10 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान किया है। हालांकि इमरान खान के पास कोई निजी कार नहीं है, लेकिन 2.4 करोड़ कैश है। 2 राष्ट्रीय बैंकों में उनकी 90 लाख की धनराशि भी जमा है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।